हेलो हेलो, मैं कूद रहा साला, जल गया घड़ी का लाइट भी मार देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जा रहा हूँ बनाने दोस्तों। वाह क्या सीन है, इसको बाम्बू बोलते हैं, इसको बांस भी बोलते हैं, बांस बोलते हैं। तो मैं आज इसका डिजाइन, मैं ऑलरेडी पहले से इसको मार्किंग कर दिया है, तो आज बाम्बू की लाइट बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। जो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे दोस्तों। यार भाई साहब, लोग जल्दी दबाओ यार, सब्सक्राइब करो जल्दी, फटाफट करो यार, भर भर के कमेंट भेजो। तो चलिए हमें वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले से ऑलरेडी ये मार्किंग कर दिया है, इसके पीछे साइड में भी कुछ मार्किंग है और यहाँ पर बीच में भी मैंने मार्किंग किया और ये सामने हमारा डिजाइन है बिल्कुल। तो पहले मैं जो है इसको यहाँ से कट करूँगा इस ब्लेड से। तो ऐसे कट करना है भैया जिसे जनाए कि किसी गोरी का गाल है। तो इसको मैं पहले कट कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मार्किंग जो मैंने किया है इसको कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने काट दिया है इसको, और यहाँ पे जो है मैं जो है इसको ड्रिल मशीन से पहले होल मारूंगा, जो मैंने डिजाइन किया है और पीछे साइड में भी डिजाइन है कुछ, तो इसको पहले मैं होल मार लेता हूँ ड्रिल मशीन से। तो चलिए मैं ड्रिल मशीन लाता हूँ। रे भैया किधर भी ड्रिल मशीन आ गई मेरी ड्रिल मशीन, अब इससे मैं मारूंगा होल। पलक में खोज दिया इसको। वाह अब ये मेरी ड्रिल मशीन स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा। वाह तो यहाँ पे मैं जो है पहले पीछे साइड में मैंने मार्किंग किया, पहले पीछे साइड में इसको होल मार देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो है मोटा बीट लगाऊंगा यहाँ पे, जो कि मेरे पास ये इतनी बहुत ही मोटी बीट है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ पहले। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने होल मार दिया है पीछे साइड भी और आगे साइड में जो डिजाइन है। तो यहाँ पे लग रहा है मुझे आरा लाना पड़ेगा बड़ा वाला, जिससे पेड़ काटते हैं। तो चलिए मेरे पास आरा नहीं है तो मैं काटता हूँ जिक्सा मशीन से जो मेरे पास है। अगर आपके पास अगर ऐसा मशीन नहीं है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो इसको मैं कट करता हूँ। मैं जो है ये जो पीछे का डिज़ाइन है इसको मैंने कट कर दिया है। तो भैया जो मैंने ये डिज़ाइन जो मार्किंग किया है तो इसको मैं कट करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो है मैं कट करके पूरा डिज़ाइन बना दिया है, पूरा पीछे साइड का भी आगे साइड का भी पूरा डिज़ाइन कट करके बना दिया है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों मैं एक लाइट लगाऊंगा, जो कि एलईडी लाइट आती है मार्केट में, 3 वाट की आती है, कलर वाली लाइट होती है। तो मैं इसको इसके नीचे लगाऊँगा लाइट को, फिर उसके बाद इसका मैं लुक देखूँगा कि हमारा कैसा उजाला करेगा। तो चलिए मैं लाइट को लगाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं लाइट ऑलरेडी ले रखा हूँ। तो मैंने लाइट, मेरी जो लाइट है ये काफ़ी बड़ी थी, तो मैं लाइट कुछ ऐसे लगी थी। तो यहाँ से मैंने कट किया है, 2 प्लेट थी, एक ये ऊपर का प्लेट है, एक इसके इसमें एक प्लेट लगा था, तो ये ऐसे फिक्स था लाइट। तो मैंने पूरा कट करके ऑलरेडी पहले से इसको कट किया है। तो चलिए फटाफट इसको जो है लाइट को लगाते हैं, फिर इसके बाद इसको चेक करते हैं कि हमारा कैसा लुक है। पहले वायर को, ये वायर के लिए मैंने यहाँ पर जो है ऑलरेडी पहले से लगा दिया था। पहले इसको इसको डाल देते हैं। वाह
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है लाइट को जो है फिक्स कर दिया है और यहाँ पे वायर भी लगा दिया है इतना बड़ा। तो ये जो लाइट है आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, अगर ये लाइट अगर आपके घर में टेबल है कुछ बढ़िया फिमसीदार अगर टेबल है तो आप ऐसे ऐसे रख सकते हैं, आप जला सकते हैं। अगर आपको दीवार पर अगर लगानी हो तो लकड़ी आती है जो उसको प्लाई बोलते हैं, तो प्लाई में से इतनी छोटी सी काट के आप इसके पीछे साइड में लगा देंगे तो आपका ये दीवार पे आराम से लग जाएगा। और पीछे साइड में अगर आपका खुला है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे मैं जो है एक पीस काटा हूँ तो आपको कुछ ऐसे काट के पीछे साइड में लगा के आप इसको कलर कर देंगे तो आपका जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक लाइट का डेमो दिखा देता हूँ, मेरे ऑलरेडी पहले से आपको वीडियो में वीडियो पर चढ़ चुका है इस लाइट का, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके की लाइट है, तो कुछ इस तरीके से आप पेंट मार देंगे तो आपका बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब ज़रूर बताएं दोस्तों कि ये बांस का लाइट है कि ये किस चीज़ का बना है। तो पीछे साइड का देख सकते हैं ऐसे मैंने चिपका रखा है, आप ऐसे भी चिपका के कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा कैसा लुक, कितना मस्त कैसा उजाला करेगा। तो हम इसको बोर्ड में लगाते हैं, तो मैं जो है कनेक्शन जो है बोर्ड में दे दिया हूँ, तो इसको मैं एक बार ऑन करता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको उजाला कर रहा है। पीछे साइड का भी दिखा देता हूँ, पीछे की साइड अगर दीवार में लगाएंगे तो आपको जो है ये फोकस देगा। तो मैं आपको स्टूडियो की लाइट बंद करके चेक करता हूँ कि हमारा कैसा उजाला कर रहा है। तो ये पीछे का डिजाइन है कुछ, और आगे का डिज़ाइन देखिए कितना मस्त लुक उजाला कर रहा है।